दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डिफरेंट गैजेट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा अलग से रहते हैं। इसके नॉर्मल वर्जन तो आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे कूल गैजेट हो सकता है आपको देखने को ना मिले। तो जानने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलेगा। चलिए देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के सबसे निचले पायदान पर। नंबर 16, हाइड्रोलिक साइब्रोग हैंड। दोस्तों आपने आयरन मैन के हैंड को देखा होगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रहता है, लेकिन ऐसे हैंड रियलिटी में होना तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस तरीके के हाइड्रोलिक हैंड को देखेंगे तो काफी हद तक ये भी कुछ पावरफुल तो होते ही हैं। हालांकि देखने में ये तो बहुत ही ज्यादा रोबोटिक लगता है, जिसमें आपको ढेर सारे हाइड्रोलिक कंट्रोल्स दे रखे होंगे। इसमें आपको अपनी उंगलियों को फंसाना होता है जिससे कि आप आसानी से इस हैंड को ऑपरेट कर पाएंगे। ये काफी ज्यादा संतुलित और सधा हुआ होता है जिससे कि आप बारीक से बारीक काम भी इस तरीके के हैंड की मदद से कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो ये गैजेट तो लाइक बटन को नीला करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 15, फैंकिट नेक्स L1 प्रो। दोस्तों अगर आप स्क्रू ड्राइवर का सेट खरीदने वाले हो जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके के साइजेस के स्क्रू ड्राइवर देखने को मिले, तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के मजेदार टूल को। दोस्तों बेहद छोटा सा कॉम्पैक्ट सा दिखने वाला ये टूल एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर होता है जिसमें आपको ढेर सारे स्क्रूज के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बस आपको उस रिबिट को इसमें लगाना होता है जिसके बाद आसानी से आप किसी भी साइज के स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप स्क्रू ड्राइवर का सेट खरीदते हैं तो काफी ज्यादा बड़ा और भारी भरकम होता है, लेकिन ये गैजेट बेहद लाइट वेट रहेगा और साथ ही साथ ये आपकी मेहनत को भी बचाता है। तो अगर आपको पसंद आया हो ये छोटा सा गैजेट तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। मोफ्ट कैरी स्लीव। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारे लैपटॉप स्टैंड देखे होंगे, लेकिन ये गैजेट सबसे ज्यादा अलग रहता है क्योंकि ये एक ऐसा केस कवर टाइप का होता है जिसमें कि आप अपने लैपटॉप को कैरी कर पाएंगे। साथ ही इसमें कुछ ऐसी सिस्टम्स लगे होते हैं जिन्हें कि जब आप ओपन करते हैं तो ये एकदम स्टैंड जैसा बन जाते हैं, जिससे कि आप इसे अलग अलग एंगल पर एडजस्ट करके अपने लैपटॉप को रखकर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लैपटॉप के स्टैंड की तरह तो काम करता ही है, साथ ही साथ उसे कैरी करने के लिए एक छोटा सा पाउच भी बन जाता है इससे। तो गजब का रहता है ये गैजेट। अगर आप भी अपने लैपटॉप के लिए एक स्टैंड की तलाश में हो तो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा ये आपके लिए। आगे गैजेट्स की सीरीज में बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर अपनी कोई मनपसंद गैजेट्स की सीरीज देखना चाहते हैं तो ये चीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस तरीके के गैजेट्स देखना चाहेंगे, जैसे कि स्टडी गैजेट, एजुकेशन गैजेट, साइंस गैजेट या और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो कमेंट करिए फटाफट और बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पर। नंबर 13, 70 MAI डैश कैम। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग अपनी कार की डैश कैम के लिए एक सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल कराते हैं जो कि बहुत हद तक फायदेमंद होता है आपके लिए। इसके दो यूजर्स होते हैं, एक तो ये सिक्योरिटी के लिए बड़ी ही कमाल की चीज रहती है। अगर मान लीजिए आपकी कार को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसके आसपास की फुटेज ये कैप्चर कर लेगा। वहीं इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए भी अगर आप एक्सीडेंट की फुटेज दिखा देते हैं तो काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से डैश कैम को, जिसके आगे की तरफ एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है जिससे कि रिकॉर्डेड फुटेज को आप लाइव देख सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें आपको एक छोटा सा कैमरा मिल जाता है जो कि 4K क्वालिटी की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि अगर आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं और ऐसे में आपको अपने कार के डैशबोर्ड के बाहर की फोटोज या फिर वीडियोस वगैरह चाहिए तो ये गैजेट आपके लिए कमाल का रहेगा। तो अगर आप भी चाहें तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। नंबर 12, AOI ट्रांसपेरेंट मास्क। दोस्तों कोरोना के इस दौर में मास्क लगाना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, लेकिन कोरोना के इस दौर में आपने देखी होगी ये चीज कि लोगों के ओरिजिनल चेहरे ही हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। हमारे सामने से हमारा कोई सगा रिश्तेदार भी निकल जाता है और कभी कभी तो आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके बगल से निकल जाती है और आपको पता तक नहीं चलता है। तो नाक के नीचे से बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है और अगर आपको भी नहीं चलता है इनका पता, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मास्क को जो कि एक तरीके के ट्रांसपेरेंट मास्क होते हैं। यानी कि इसमें लगी होती है एक तरीके की फेस शील्ड जिससे कि आप आर पार देख सकते हैं और साथ ही ये आपके चेहरे का पूरा व्यू दिखाती है जिससे कि कहीं न कहीं लोग आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। वहीं दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है नॉर्मल मास्क की तुलना में। तो अगर आप भी चाहें इस मास्क को ट्राई करके देख सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 11, रोम्बा आईरोबॉट। दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए वैक्यूम क्लीनर लेने वाले हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। अगर आप वैक्यूम क्लीनर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको मैन्युअली सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन इस गैजेट को अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा रोबोट जैसा गैजेट होता है जो कि आपके घर की सफाई का काम खुद ब खुद कर देता है। इसे बस आपको एक बार कमरे में ऑन करके छोड़ देना है जिसके बाद ये खुद ब खुद उसे साफ करने का काम आसानी से कर देगा। साथ ही इसमें ब्रशेस लगे होते हैं जो कि बहुत ही बारीकी से साफ करते हैं आपकी फर्श को, जो कि एक
कमाल की बात रहेगी। तो इस तरीके का गैजेट एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का नमूना होता है जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। नंबर 10, ब्री वैली स्मोकिंग गन। दोस्तों अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां पर आपने एक चीज गौर करी होगी कि खाने में महक बड़ी प्यारी सी आ रही होती है। दरअसल वो उसके साथ स्मोक ट्रीटमेंट करते हैं जो कि कुछ इस तरीके के गैजेट की मदद से किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत तीखी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद आती है लोगों को, तो कभी कभी उसमें इस तरीके की गन की मदद से स्मोक डाली जाती है जिससे कि वो उस खाने में समा जाए और उसमें हल्की हल्की महक उसकी आने लगे। तो अगर आप भी ऐसी किसी चीज में देना चाहते हैं अपने किसी पसंदीदा चीज की स्मेल, तो बस इसकी गन में आप डालिए जिसके बाद ये उसमें उसकी स्मोक को अच्छी तरीके से भर देता है। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि आपकी किचन में काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। नंबर 9, वॉच साइड वाइंडर। दोस्तों अगर आप स्मार्ट वॉचेस को यूज करते होंगे तो कहीं ना कहीं जो उसका चार्जर और उसकी केबल होती है वो थोड़ी सी पेचीदा रहती है। साइज में छोटी होने की वजह से अक्सर उसकी खोने का डर तो रहता ही रहता है, साथ ही उनके खराब होने का भी डर लगा रहता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिसमें कि आपको अपनी वॉच के चार्जर को बीच में लगा देना होता है और केबल को इसमें लपेटने के लिए आपको काफी सारी जगह दे रखी होती है जिसमें कि तार भी आपका एकदम सुरक्षित तरीके से लपेटा जा सके। तो बेहद काम का रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि आपकी महंगी महंगी वॉच के चार्जर्स के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। नंबर 8, ज़ाइलिस चीज ग्रेटर। दोस्तों जो चीज होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है लेकिन उसका पाउडर तैयार करना लगभग नामुमकिन सी बात होती है। लेकिन अगर आप चीजों को अच्छी तरीके से सर्व करना चाहते हैं तो अक्सर आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये देखा होगा कि वो लोग चीज का पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो कि खाने में ऊपर की तरफ से पड़ा होता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिसमें कि चीज पीसेस को आपको रखना होता है और साथ ही इसमें एक छोटा सा हैंडल टाइप का लगा होता है जिससे जब आप रोटेट कराते हैं तो इससे इसका पाउडर निकल आता है। तो कमाल का गैजेट ये रहता है जो कि आप अपने किचन में चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, ल्यूमी क्यूब। दोस्तों अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं या फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। दरअसल ऐसा होता है जो बड़े बड़े फ्लैश होते हैं या फिर लाइटिंग्स होती हैं वो साइज में या तो थोड़ी सी बड़ी होती हैं या फिर उनका बैटरी बैकअप उतना नहीं होता कि आप लगातार उसका इस्तेमाल कर पाए। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को जो कि काफी ज्यादा छोटा सा लगभग एक पावर बैंक के साइज का होता है। इसमें दोस्तों आपको लाइटिंग से काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही इसमें एक डिस्प्ले भी लगी होती है जहां पर आपको बैटरी लेवल से लेकर काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके स्विचेस की मदद से आसानी से आप इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सिंगल चार्ज पर लगभग आप 3 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर वीडियो क्रिएटर हैं तो इस तरीके का गैजेट आपको यकीनन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 6, इंस्टा फ्लॉस। दोस्तों हमारे दांतों में ऐसी काफी सारे छोटे छोटे खाने के टुकड़े होते हैं या फिर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो कि नॉर्मल ब्रश से नहीं जाते। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिसे कि बस आपको अपने दांतों में लगाना होता है और पूरे दांतों में एक बार कस के फिरा लेना होता है। ये काफी तेजी से पानी की धार छोड़ता है आपके दांत पर, जिससे कि वो छोटी छोटी चीजें जो भी आपके दांतों में फंसी हैं निकल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दांतों की अच्छी सेहत के लिए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 5, मूव इट स्विफ्ट स्मार्ट बॉक्सिंग ग्लव। दोस्तों अगर आप बॉक्सिंग करना पसंद करते हैं या फिर अपने वर्कआउट को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की ग्लव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थोड़े से इंटेलिजेंट ग्लव्स होते हैं, नॉर्मल ग्लव्स से काफी ज्यादा अलग रहेंगे। इनमें किया गया वर्कआउट पूरी तरीके से रिकॉर्ड होता है, ये आपको आपके मोबाइल फोन या फिर टैबलेट पर दिखाई देगा। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप सपोर्ट दे रखा होता है जहां पर आप अपने पूरे वर्कआउट को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने कितनी देर प्रैक्टिस करी है या फिर कितने पंच आपने मारे हैं। तो मजेदार रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि आपके वर्कआउट को रखने में तो मददगार साबित होगा ही होगा, साथ ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी ये आपकी अच्छे से करवा देगा। नंबर 4, ब्लॉक फेस शील्ड। दोस्तों कोरोना के इस दौर में आपने देखा होगा कि फेस शील्ड का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है कि हम अक्सर बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं जो कि कोरोना जैसे वायरस फैलने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के फेस शील्ड को, जो कि नॉर्मल आने वाली फेस शील्ड से काफी ज्यादा अलग रहती है। देखने में तो ये एकदम चश्मे की तरह होती है लेकिन इसके लेंसेस काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। एक तरीके से इसमें एक शील्ड जैसी होती है जो कि पूरे माउथ को आपके कवर कर लेती है। साथ ही दोस्तों इसे आपको नॉर्मल चश्मे की तरह ही पहनना होगा जिससे कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी। तो इस तरीके के गैजेट की मदद से आसानी से आप कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसे परचेज करना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 3, रॉकू बॉट मिनी।
दोस्तों आजकल लोग चीजों को सैनिटाइज करके इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कोरोना वायरस। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही फील करते हैं अपने आसपास, जिससे कि आप अपने आसपास की चीजों को सैनिटाइज करते हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटे से यूवी सैनिटाइजर। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा गैजेट होता है जिसे कि आपको अपने आसपास उन चीजों के पास रख देना होता है जिन्हें कि आप रेगुलरली यूज करते हैं। इसमें एक छोटी सी लाइट लगी होती है जिससे कि यूवी रेज जनरेट होती है। इन लाइटिंग्स की मदद से आसानी से चीजों को यूवी सैनिटाइज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए इस तरीके के हथियार काफी ज्यादा काम के रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इसे ट्राई करके देखना, तो पहले इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। नंबर सेकंड, वोल्टा स्पार्क चार्जिंग केबल। दोस्तों चार्जिंग केबल आए दिन खराब होती रहती हैं। इसका एक रीजन ये होता है कि जब आप पोर्ट में बार बार चार्जिंग केबल को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पोर्ट वहाँ से ढीला होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इस चीज को पहले ही खत्म करना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की केबल को, जिसमें कि जो पोर्ट वाला हिस्सा होता है उसे आपको पहले ही फोन में लगा देना होता है, जिसके नीचे की तरफ एक हल्का सा मैग्नेटिक माउंट निकला होगा। और जैसे ही आप केबल को इसके पास लाते हैं तो फौरन ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपका फोन चार्जिंग लेना शुरू कर देगा। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रहता है, जिससे कि आपकी केबल तो सालों साल चलेगी ही, साथ ही फोन का चार्जिंग पोर्ट भी हमेशा सलामत रहेगा। नंबर वन, टेरा प्लांटर। दोस्तों जब आप किसी गमले में पेड़ लगाते हैं तो एक समय बाद वो धीमे धीमे सूखना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपका लगा लगाया पेड़ बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप इस चीज से पहले ही बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गमले को, जो कि एकदम अलग सी डिजाइन के साथ आता है। दोस्तों ये एक ऐसे इको फ्रेंडली मटेरियल के साथ बना होता है, जो कि आपके एनवायरमेंट के साथ साथ पेड़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें आपको छोटे छोटे होल्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि मिट्टी में हवा एकदम अच्छी तरीके से जा पाएगी। साथ ही जब आप पेड़ों में पानी डालते हैं तो ये पूरे पेड़ में एकदम सही तरीके से पानी को पहुंचाता है, जिससे कि प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा मजेदार रहता है, जिसमें कि आप आसानी से अपने घर के अंदर भी प्लांटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये गैजेट पसंद आया हो तो फटाफट कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।